78 दिन से जल रहे मणिपुर को अमन और शांति चाहिए। मणिपुर के मुजरिमों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, बड़ा एक्शन होना चाहिए। 78 दिन गुजर गए लेकिन मणिपुर के हालात जस के तस हैं। अब सवाल यही है कि मणिपुर की आग कब और कैसे बुझेगी। दिल्ली से लेकर मणिपुर तक सरकार और सिस्टम कितना बदहाल है। आज तक ने जब जिम्मेदारों से सीधा सवाल पूछा तो नकारेपन की पूरी कलई खुल गई। हजारों की भीड़ प्लानिंग के साथ महिलाओं की नग्न परेड निकालती है लेकिन सीएम को पता ही नहीं चलता। राष्ट्रीय महिला आयोग तक पीड़िता की शिकायत पहुंच जाती है लेकिन आयोग के कान पर जू नहीं रेंगती। जब आज तक ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से सवाल पूछा तो सुनिए जवाब। See, there were many complaints. Again and again I am saying, there was not a specific complaint, one specific. There were many complaints and that too from people outside India and outside Manipur. So we just wrote, firstly, they had to clarify whether whatever is written is true or not. So they have to clarify, the government of Manipur has to clarify. And if it is true, they have to work on it. So we accordingly we wrote to them. Zimmedari inki hai. लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब मणिपुर की बेटियों के लिए मीडिया के कैमरों में बयानबाजी जारी है। ठीक ऐसे ही जब आज तक ने मणिपुर के सीएम से महिलाओं की नग्न परेड पर सीधा सवाल पूछा तो उनका जवाब असंवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। नहीं, आपको 18 मई की एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इससे पहले? नहीं नहीं, एफआईआर तो सिमिलर एफआईआर 100 की है ना। यहाँ पे महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, इस बारे में सीएम को नहीं पता चला सूबे के? एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना है आप लोग, ग्राउंड रियलिटी। हंड्रेड ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है, अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। अगर जिम्मेदार ही आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हों तो महिला सांसद के आंसू निकलने भी लाजमी है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। लॉकेट चैटर्जी भावुक हैं, सांसद नवनीत राणा दुखी हैं, वहीं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पूछ रही हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब होगा। ऐसी दुर्व्यवहार जो महिलाओं के साथ होता है अब वो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए सर, क्योंकि जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो ऐसे महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते बहुत दिल को दुख पहुंचता है। एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, तो मैं इतनी जरूर विनंती करूंगी कि ये जल्द से जल्द ऐसे जो क्रिमिनल हैं, जो जिन्होंने ये क्राइम किया, दुर्व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ किया, कड़क से कड़क पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। तो क्यों मुख्यमंत्री को अभी भी राजधर्म नहीं बता रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए? जो मुख्यमंत्री टेलीविजन चैनलों पे आकर कह रहे हैं ऐसे 100 एफआईआर दर्ज हैं इसलिए हमने इंटरनेट बैन किया हुआ है, क्या उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी महिला मंत्री स्मृति ईरानी से नहीं पूछना चाहिए कि इतने सारे एफआईआर हैं कि क्या कानून और न्याय व्यवस्था उनके लिए लागू हो रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गृह मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि अब इतने सारे दिन हो गए हैं फिर भी वायलेंस जारी है तो इतना वायलेंस क्यों चल रहा है और क्यों हम इसमें विफल रहे हैं? आज प्रियंका गांधी ने भी मणिपुर की घटना पर जोरदार हमला बोला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे, वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए। पूरी दुनिया ने देखा कि मणिपुर में क्या चल रहा है लेकिन 78 दिनों बाद भी हालात जस के तस हैं। सवाल यही है कि मणिपुर में अमन चैन की वापसी कब होगी? आज तक ब्यूरो।